कांग्रेस नेता आनंद शर्मा तीन राज्यों में पार्टी को मिली जीत से काफी उत्साहित हैं। उन्होंने इस बड़ी जीत का जश्न अपने अंदाज में ड्रम बजाकर मनाया। यहां दिल्ली के लोधी रोड में पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और अन्य लोगों के बीच कांग्रेस नेता आनंद शर्मा पार्टी की शानदार जीत का जश्न मनाते नजर आए और साथ ही अपनी खुशी भी जाहिर की और लगे हाथों पीएम मोदी को सलाह भी दे डाली। सबको बहुत बहुत बधाई। ये राज्यों की जनता जो मतदाता हैं, हम उनके कृतज्ञ हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि का और समझ का ये एक बहुत बड़ा फैसला किया है जिससे देश को फायदा होगा। जैसे कल कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा, हम इसको विनम्रता से स्वीकार करते हैं। एक बड़ा आशीर्वाद है लोगों का। लोग तकलीफ में थे, चाहे हमारा नौजवान है, किसान है, महिलाएं हैं, क्योंकि उनके साथ झूठे वायदे हुए थे और कई सरकार के, मोदी सरकार के गलत फैसलों से उनको तकलीफ हुई और बीजेपी की राज्य की सरकारों की। पर प्रजातंत्र में हार और जीत होती है, इसीलिए हम जो लोग बीजेपी के हैं उनको भी मेरी आज यही सलाह है प्रधानमंत्री जी को कि वो 4.5 साल पूरा अपने से पहले के प्रधानमंत्रियों को और कांग्रेस को कोसते रहे, वो थोड़ी मानसिकता थोड़ी बदले, क्योंकि देश साझा है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमारी एक अपनी विचारधारा है, अपनी सोच है और अभी ये लड़ाई बाकी है। मई महीने में हम प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हम चुनाव मई महीने का बाकी साथी दलों के साथ मिलकर जीतेंगे और मोदी जी को और बीजेपी को पराजित करेंगे। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com